हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ बाइक पे, और मेरे साथ है प्रमोद, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को कभी दिखाया होगा। आप अगर मेरे पिछले ब्लॉग को अगर चेक करोगे तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। इसी का कामडारा में कार वॉशिंग सेंटर है, जो कि मैं बोला था कि कभी ब्लॉग में बनाऊंगा उसके लिए पूरा स्पेशल, बट नहीं गया हूं अभी तक। तो कभी जाएंगे और ज़रूर बनाएंगे, बट फिलहाल ये कुछ काम के लिए आया था। तो हम लोग बहुत, और वैसे ब्लॉग में बहुत देर से शूट कर रहा हूं, तो जा रहे हैं हम लोग अपना ढाबा, और अभी हम लोग क्या खाएंगे वो तो आगे जाके पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं आज। चावल लगा दीजिए दो जगह। हाँ, आज खाली खाली है होटल? ओ, शाम को रहता है भीड़। तो दोस्तों, हम दोनों आए थे कोनबीर, और वही सिस्टर लोग को जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, सिस्टर लोगों का कुछ काम करना है, हम लोग करने के लिए आए थे। तो हम दोनों ने कर लिया, और कहने का मतलब हम लोग तभी खाना खाए और डायरेक्ट इधर ही आ गए थे, इसीलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं आप लोगों को, क्योंकि इधर ही आना था। तो मैं सोचा कि इधर ही कुछ दिखा दूँगा आप लोगों को। तो जो क्रॉस आप लोगों ने देखा, उसमें नाम लिखना था और बॉर्न डेट और डेथ डेट लिखना था, बस और कुछ नहीं था। इसलिए मतलब फिर भी गाइस, उसमें 2 घंटे मुझे समय लग ही गए हैं। चलिए दोस्तों, आपसे सीधे मैं घर पे मिलूँगा, और देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं घर, और हमारे मिस्त्री साहब जो है, देखिए कितना खतरनाक ये लोग फर्नीचर का काम करते हैं। देखिए, रोज शाम को गुड मॉर्निंग बोलते हैं ये लोग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मतलब जब मिले तब गुड मॉर्निंग। नया सुबह, नया दिल, नया सोच, नया विचार। हाँ, इसलिए हर समय को गुड मॉर्निंग में रखते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपका विचार हमको अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, अभी क्या करते हैं वैसे देखते हैं क्या होगा, क्योंकि मुझे अभी जो डेली स्केच है उसी करेंगे, क्योंकि अभी दोस्तों शाम के 4:30 बज रहे हैं, और देखते हैं अब क्या होता है। वैसे दोस्तों लाइट भी नहीं है, और अब तो लाइट का भी जरूरत नहीं है, वैसे मुझे स्केच करना है और स्केच करेंगे, उसको आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे रिकॉर्ड तो मैं कर नहीं पाऊंगा, जो मैं माँ दुर्गा का पेंटिंग बना रहा हूँ, मतलब सॉफ्ट पेस्टल से इसे बनाऊंगा, तो वो वाला स्केच को मैं अभी कंप्लीट करूंगा। तो उसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डेली स्केच वाला जो मैंने शेड्यूल बनाया है डेली का, उसे स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, स्केच तो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया, कम से कम 1.5 घंटे हो गए मुझे स्केच करते हुए, और अंधेरा भी हो गया बाहर, और दोस्तों थोड़ा सा उसमें कुछ बाकी है, तो मैं उसे आप लोग को दिखा दूंगा। उसके बाद मैं उसे कलर करूंगा दोस्तों, ग्रेफाइट पेंसिल और सॉफ्ट पेस्टल से मैं मिक्स करके उसे बनाऊंगा। तो आप जरूर देखना इस पेंटिंग को, और इस पेंटिंग को बनाने में मुझे लगभग टाइम लगेगा 6 से 7 घंटे लगेंगे मुझे पेंट करने में। स्केच में थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, क्योंकि ज़्यादा उसमें डिटेलिंग वगैरह बनाना है, तो वो डिटेलिंग जो भी मैं बनाऊंगा वो तो अभी मैं नहीं कर रहा, बट जितना मैंने किया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ऐसा है, और ये जब पूरा बन जाएगा ना दोस्तों, काफी जबरदस्त लगेगा।
और एक वर्क किया था गाइज मैंने वाटर कलर से सुबह, मुझे वाटर कलर तो आता नहीं है बट जो कि प्रोजेक्ट वर्क है यानी कि प्रैक्टिकल वर्क है, और वो प्रैक्टिकल वर्क में मतलब जिसका वो प्रैक्टिकल था उसे वैसा लगना चाहिए कि खुद मैंने बनाया है इस टाइप का लगना चाहिए बोल के बोला, इसलिए मैंने उसे उसी टाइप का बनाया क्योंकि ज्यादा फिनिशिंग वगैरह मैंने नहीं दिया तो किसी तरह मैंने उसे बना के दे दिया। वैसे बीएड का प्रैक्टिकल वर्क है, बहुत सारे मेरे पास आते हैं दोस्तों ऐसे बनवाने के लिए। वैसे क्राफ्ट का काम भी मैं करता हूँ तो क्राफ्ट वगैरह भी बनवाते हैं तो मैं बना देता हूँ। कहने का मतलब थर्माकोल से कुछ कटिंग उटिंग घर और बना के पेड़ वगैरह, तो उस टाइप का काम भी मैं कर ही लेता हूँ। तो जो प्रैक्टिकल वर्क है उसे मैं दिखा देता हूँ आपको। और दोस्तों अभी तो पूरा अंधेरा हो चुका है बाहर भी, खिड़की से नजर नहीं आ रहा होगा, देखिए ये देखो दोस्तों पूरा अंधेरा हो चुका है। तो अभी मैं देवीगुड़ी चौक जाऊंगा, श्याम के दुकान में थोड़ा देर बैठूंगा, उसके बाद फिर वापस आएंगे, खाना वाना बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों सीधे अभी चलेंगे देवीगुड़ी चौक, तो आपसे देवीगुड़ी चौक में ही मिलूंगा। तो फाइनली दोस्त ने कर लिया है दुकान अंदर, ये देखिए पूरा खाली खाली लग रहा होगा बट इधर बंद नहीं किया है बट थोड़ी देर में कर लेगा। तो सीधे हम लोग घर चलेंगे और खाना वाना बनाना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा खाना बनाने में भी, और वैसे अभी टाइम हो रहा है 7:45। तो चलिए दोस्तों सीधे घर पर मिलूँगा मैं आपसे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया अपने रूम, और आज भी दोस्तों मैंने व्लॉग पे आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया, बट दोस्तों ऐसा नहीं होगा हमेशा क्योंकि हम लोगों का अभी काम नहीं चल रहा है इसीलिए हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और घर का ही डेली सेम टू सेम व्लॉग मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। वैसे अगर मैं जिस टाइम अपने कहने का मतलब अगले महीना मैं दो दिन का व्लॉग एक दिन में दूंगा, कहने का मतलब 30 दिन में 15 व्लॉग दूंगा। अगले महीने में आर्ट वाले चैनल को बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ क्योंकि उस चैनल को मोनिटाइज के लिए सिर्फ 500 घंटे ही बचे हुए हैं। अगले महीने में कंप्लीट करना चाहता हूँ, सिर्फ 500 घंटे मुझे पूरे करने हैं, उसके बाद मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। और दोस्तों वॉल पेंटिंग के लिए जो मैं बोल रहा था वो मैं 1 तारीख से स्टार्ट हो जाऊँगा और 2-3 तारीख तक कम्प्लीट भी कर दूँगा एक दो दिन में। और मेरे आर्ट वाले चैनल में ज़रूर जाना दोस्तों और ज़रूर देखना वो पेंटिंग। मेरा आर्ट वाले चैनल का नाम तो आप जान ही रहे हो, फिर भी मैं बता देता हूँ, तुलसी आर्ट गैलरी। मैं ये बना रहा था, देखो ये मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है पूरा, सिर्फ इसमें छोटा छोटा जो डिटेलिंग बाकी है बस उसी को करना है, मतलब डिटेलिंग स्केच करना है। डिटेलिंग स्केच होने के बाद इसका ऊपर मैं कलर करूँगा दोस्तों, तो ये कल ही मैं इसे करना स्टार्ट कर दूंगा और हो सके तो कंप्लीट भी हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो दोस्तों परसों दिन मैं अपलोड भी कर दूंगा मेरे आर्ट वाले चैनल पे, तो आप लोग तो देख ही लोगे बट फिर भी मेरे आर्ट वाले चैनल पे जाके ज़रूर देखना क्योंकि जो इस मेरे व्लॉग वाले चैनल पे रहता है दोस्तों वो बहुत सारा स्किप किया हुआ रहता है, बट इस आपको मेरे आर्ट वाले चैनल पे शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो आपको मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइज इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।